नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति में कोंकण का। या कोंकण की बात करूं तो सबसे पहले नारायण राणे साहब का नाम सामने आता है, लेकिन राणे साहब के सामने अब जो है उनके ही साथी जो है कुछ विरोधाभास करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसमें शिंदे साहब का भी नाम है और फडणवीस साहब का भी नाम है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति जो है सेंटर की राजनीति से थोड़ा अलग है। तो इसमें राणे साहब का क्या इसमें दुविधा है, क्या उनके साथ में दुश्मनी है, इसी पर थोड़ा चर्चा करेंगे। क्यों ये भी चौंकाने वाली चर्चा है आपके लिए, क्योंकि राणे साहब और हम बात कर रहे हैं बीजेपी और शिंदे साहब के विरोध में। तो सब कैसे है ना सर जी? पहली बात तो ये है कि राणे साहब का जो 6 साल का कार्यकाल था राज्यसभा का जी, वो अभी खत्म हो रहा है। उसका प्रॉब्लम ऐसा है कि उनका कि उनको अभी ना वो पूरा इलेक्शन की प्रोसेस, लोकसभा यहाँ वहाँ घूमना, ये करना वो पसंद नहीं है। उनकी तबीयत भी उतनी ठीक नहीं है। ठीक है, मगर मतलब उनको वापस राज्यसभा में ही जाना है। हाँ, उनको राज्यसभा में ही जाना है जी। और बीजेपी वाले जो है वो चालू लोग है, वो क्या बोलते हैं कि जीते तो भी तुम, हारे तो भी तुम सिंधुदुर्ग और यहाँ पे खड़े रहो, और वो सीट हमको तुम्हारी वजह से मिलेगी, ऐसा उनको बड़प्पन भी देते जी, हैं जी, जी। वहाँ की जो सिंधुदुर्ग की सीट है वो आपकी वजह से हमको मिलेगी, और रायगढ़ और ये जो है वो दूसरे इसको खड़ा करना ही पड़ेगा उनको। तो इसमें विनायक राउत शायद है वहाँ पर ना, उपाठा से अभी है। तो प्रॉब्लम उनका ऐसा है कि चुनाव लड़ेंगे ना तो प्रॉब्लम है जी, पैसे का नहीं मगर ताकत का है। उसके लिए जो कष्ट करने पड़ेंगे वो जरा उनको मुश्किल है। और दूसरी बात ऐसी है कि उन्होंने पहले से ऐसी भूमिका लेके रखी है कि भाई मराठाओं को, पर्टिकुलरली 96 कोई मराठा, अभी उसमें क्या हो गया ना सर, एक विभाजन राणे जी की वजह से, अकेले की वजह से ऐसा हो रहा है कि सब मराठा एक नहीं रहे। मनोज जरांगे जिन लोगों के लड़ रहे हैं वो गरीब मराठा है, मतलब पैसे से जिनके ये हैं, और वो क्षत्रिय मराठा नहीं है, वो कुणबी मराठा है जो खेती करते हैं जी। ये खुद को क्षत्रिय मराठा समझते हैं राणे साहब, 96 तो उनको कुणबी कहना अपमान ही लगता है, कुणबी कहना उनको लगता है अपमान है हमारा, ये हम कुणबी नहीं है यार। मतलब एक उच्च जाति छोड़ नीचे, वो प्रॉब्लम है उनका, हर किसी के लिए है सर ये। नहीं सर, इसमें ऐसा है कि आज जो विरोध कर रहे हैं ना वो विरोध उनका मराठा आरक्षण पे दिखा रहे हैं वो, कि मराठाना मराठा म्हणून आरक्षण मिळवा, मगर उनका कुणबी शब्द को विरोध है। वो सोचते कि अभी सर ये ना दलितों में भी है ऐसा जी, दलितों में भी ऐसा होता है कि वो एक दूसरे को कम ज़्यादा मानते हैं, ब्राह्मणों में होता है कि ये है तो ये नहीं है, ये है तो ये नहीं है, यहाँ तक होता है ब्राह्मणों में होता है, सब में सबका को ऊपर नीचे करते ही है जी। तो अभी राणे साहब का विरोध जो है ना वो बेसिकली है मराठा लोगों को, 96 कोई सर, उनका भी मर्यादित इशू है, उनको सभी मराठाओं के लिए लड़ना ही नहीं है, सभी मराठाओं को कुणबी करने के लिए उनको कोई हरकत नहीं है, बोल नहीं सकते सर ऐसा, हम बोल सकते हैं कि भाई 96 कोई मराठा पकता, मगर वो बोले है कि भाई आम्ही मराठे तर काही घेणार नाही, कुणबी शब्द लावून। सर इसके पीछे मैं एक आपको कहानी बताता हूँ, वो आदमी का मैं नाम लूँगा तो हलचल मच जाएगी, उसने मुझे, उसको मैंने एक राष्ट्रपुरुष की तस्वीर भेज दी, तो वो एक मिनट के लिए रुक गया, बोला कि सती जी ये तस्वीर आप वापस ले सकते हैं क्या, किसी भी तरह से इंडिकेट मत करो कि तुमको मालूम हो गया कौन सा राष्ट्रपुरुष की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं बोला क्यों, वो बोले नहीं ये जो है ना इनकी तस्वीर हम घर में नहीं रखते। मैं एकदम ये हो गया, मैं बोला ऐसा कैसा, ये तो राष्ट्रपुरुष है, ये तो ऐसे है कि चलो मैं कुछ भी बोलूँगा तो नाम तक पहुँच जाएंगे लोग। तो बोले कि नहीं वो कुणबी थे, हम 96 कोई मराठे, इसलिए उन्होंने तस्वीर वापस की मुझे, यहाँ तक इनका अहंकार रहता है, अभी बोलने के लिए तो बुक करते हैं, और इनमें भी
ऐसे अहंकार है इनका कि हम शैंडवपुरी है और ये बाकी सब है कुर्दी है, तो उसके ऊपर बड़ा महाभारत निकला। तो अब सवाल सर, हमारा जो टाइटल है जो कि राणे साहब का जो इसमें क्रॉसिंग जो चल रही है उसके ऊपर थोड़ा सा खास करना है। आते, आते, इसमें फडणवीस साहब का नाम आ रहा है और सिंधी साहब का नाम आ रहा है, क्यों ऐसा? कैसे कैसे है कि राणे साहब को चाहिए था कि आप सरसकट सबको मराठा का कुणबी मत करो, आप जिनको चाहिए कुणबी होने की जिनकी तैयारी है, मतलब आपको शिखर पे बिठाया है, आप नीचे आना को तैयार है तो उनको आने दो, और हम जैसे जो लोग हैं उनको भी वो सर्टिफिकेट सबका कर दिया तो हमारा भी छप जाएगा ना तो वो मत करो। अभी उसमें ऐसा है कि शिंदे साहब हो गए हैं मराठा हृदय सम्राट और फडणवीस साहब हो गए ओबीसी हृदय सम्राट। शिंदे साहब का प्रतिनिधि है मनोज जनांगे और भुजबल साहब है फडणवीस के प्रतिनिधि। बोलोता धनी दोनों का अलग अलग है, शिंदे साहब जनांगे के मुंह से बोलते हैं, फडणवीस साहब भुजबल के मुंह से बोलते हैं, तभी तो भुजबल इतना तार बैठा है। उसको मालूम है ना कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो मेरी नहीं है, वो भुजबल साहब की है। भुजबल ओबीसी बेस जो है बीजेपी का वो खत्म हो जाएगा, पर वो बोल नहीं सकते, वो तो ब्राह्मण है, वो ओबीसी होते तो भी थोड़ा सा बोलते, मगर उनके जो अलग ओबीसी नेता है वो भी चुप है, वो कहाँ बोलते हैं, वो भी नहीं बोलते क्योंकि उनको लगता है कि इससे हमारी दुश्मनी शिंदे साहब से हो जाएगी क्योंकि जरांगे के गॉडफादर वो है करके वो चुप है। मगर अभी ये जो है नारायण राणे वो किसी के मोहताज नहीं है, वो शिंदे या फडणवीस इनके मोहताज नहीं है, वो डायरेक्ट मोदी और शाह के हैं, उन्होंने उनको अलग लेवल पे है वो जी जी। तो उनका दुश्मनी इन दोनों में से किसी को ये साथ नहीं है और दोनों के साथ है भी और नहीं भी। अच्छा है इसके लिए कि वो सभी मराठाओं को कुणबी बना रहे। तो बोल रहे कैसे ना सर, जो कड़वट रहते हैं ना मराठा, उनको जाति का ये करना धर्मांतर जैसा लगता है। अगर किसी कड़वे हिंदू को आप बोलेंगे कि तुम धर्मांतर करके मुसलमान हो जाओ तो वो कितना भड़केगा, आपकी जान लेने के लिए आ जाएगा बिल्कुल। अगर किसी हिंदू कड़वट आदमी को बोलेंगे सर ये जो शैंडो कुणी मराठा है ना वो ऐसे कड़वट मराठा है कि उनको अगर बोला कि तू कुणबी है तो सर आपकी जान भी ले सकते। तो इतने कड़वट जो शैंडो कुणी मराठा है उनका प्रतिनिधित्व राणे कर रहे हैं, जबकि शिंदे साहब जो है वो आम मराठा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, फडणवीस आम ओबीसी का कर रहे हैं। तो इनकी दुश्मनी मैं बोला वैसे ही है भी और नहीं भी दोनों भी, मगर सर इनकी केंद्र में नहीं चलेगी राणे साहब के मोदी शाह के पास, क्योंकि मोदी शाह ने अगर इनके बारे में कोई निर्णय में हस्तक्षेप किया, संसद में कुछ ठहराव लाया तो वो राजस्थान हरियाणा पंजाब गुजरात घूमता घूमता सब जगह जाएगा, इसलिए वो भी नहीं करना चाहते भी नहीं है। और इलेक्शन के पहले कौन ये मार्केट में ऐसा धींगाना, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, तो कुछ नहीं करेंगे वो। तो कैसे है ना, राणे साहब है ना नेशनल लीडर है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में है, उनको इनके साथ झगड़ा लेना ही नहीं चाहिए, उनको सीधा मोदी और शाह साहब के पास जाना चाहिए। मेरा मानना है कि उनको वहां जाके बोलना चाहिए कि भाई आप जरा महाराष्ट्र में दखल दो, आप बोलेंगे तो वो सुनेंगे, फिर ये मामला सुधर सकता है। मगर वो लड़ रहे हैं किसके साथ, वो क्रिटिसाइज किसको कर रहे हैं, शिंदे फडणवीस सरकार को, फिर भी उनका नाम लेने की भाई वो ये नहीं करते, क्योंकि फडणवीस का नाम अगर ले लिया तो जो आज नीतीश राणे को प्रोजेक्शन मिल रहा है वो बंद हो जाएगा, तो फडणवीस नाराज हो जाएंगे। आज वो तो बोलता है कि मेरा बॉस उधर सागर बंगले पे बैठा है, मैं जो भी बोलता हूँ वो उनकी सम्मति से बोलता हूँ, अपने को कुछ नहीं होना, दंगा करना है करो, यहाँ तक बोला है वो हाँ। दंगा करना है करो, जो बोलना है बोलो, गाली बिली देना है तो बिंदास बोलो, अपना बॉस बैठा है सागर में, सागर में फडणवीस साहब। तो उन्होंने उसने तो फडणवीस साहब को भी कल अगर धार्मिक दंगल इसके बोलने के बाद हुई तो अपोजिशन वाले बोलेंगे कि फडणवीस साहब ने इनके थ्रू करवाया दंगल, ऐसा भी हो सकता है। अभी राणे ने अगर ये मुद्दा बहुत जोर से लगाया कि भाई शैंडो कोई मराठा जो है उनको मत दो, तो ऐसी आदत आफत आ जाएगी शिंदे और इनके ऊपर कि भाई शैंडो कोई मराठाओं को अलग से एक सार्वमत लेना पड़ेगा कि क्या आप कुणबी बनना चाहते हैं कि नहीं, फिर मुश्किल हो जाएगी। और वो बनना नहीं चाहेंगे शैंडो कोई जो मराठा है सर, जातीसाठी माती खावी ऐसा एक मराठी वचन है, भुजबळ वही बोलता है जातीसाठी माती खाएं, और उसके तो 300 350 जाती है ओबीसी में यहाँ पे सर कैसे है,
कुणबी और मराठा संघर्ष पहले से रहा है, तो इनमें रोटी बेटी व्यवहार नहीं होता था पहले तो, पानी भी नहीं पीते थे, अभी पानी मालूम नहीं मुझे, मगर रोटी बेटी व्यवहार नहीं होता था। अच्छा अच्छा, तो एक तुच्छता इनके मन में है, वही तुच्छता का प्रतीक आम मराठा के प्रति शहनो कोड़ी मराठा का तुच्छता का प्रतीक है राणे साहब। अब वो फडणवीस और इनके खिलाफ भी नहीं जा सकते हैं और केंद्र में मोदी शाह को बोल नहीं सकते, तो अपनी भड़ास निकालना उनका वाजिब है, वो निकाल रहे हैं, पर उसका सर असर क्या होगा, नहीं होगा। हाँ, शहनोपुरी मराठा के बारे में बात निकलेगी तो शिंदे साहब बोलेंगे कि हम तो कंपलसरी घर जाके डिलीवरी नहीं कर रहे किसी की, जो एप्लीकेशन करेगा कुणबी के लिए उसको ही मिलने वाला है, और उसको भी कुछ ना कुछ तो पुरावा भी देना है, प्रतिज्ञा पत्र करना है, तो आप शहनोपुरी रहो, फिर मराठा समाज में सर खाई पड़ जाएगी। एक शहनोपुरी वाले पहले से है मगर वो दिखाई देगी अभी, तो क्या सरकारी दवाइएगा ऐसा बोलते सर दलित वर्ग को, आदिवासी वर्ग को आज भी टीका टिप्पणी सहन करनी पड़ती है उनको। और इसमें दूसरा यह है कि आप बोलेंगे कि मैं इसका रिलेटिव हो करके एक आप प्रतिज्ञा पत्र दे दो, तो मैं तो आदिवासी का दूंगा, आप दलित का दे देंगे, मैं रिलेटिव हूँ कैसे हैं, नहीं 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 ये इसकी माँ की माँ की माँ की माँ की करते हैं। तो सर राणे साहब का जो संघर्ष है वो आम मराठा के लिए नहीं है, वो शहनोपुरी मराठा के लिए है, और शहनोपुरी मराठा की एग्जैक्ट संख्या गूगल पे देख के हम बता सकेंगे, कल अगर कुछ किया इनका इसके ऊपर तो हम एग्जैक्टली शहनोपुरी मराठा कितने हैं महाराष्ट्र में वो मिलेगा अपने को, तो फिर उतने ही लोगों की बात होगी जी। अभी ये बोल रहे 6 करोड़ मराठा है, उसमें शहनोपुरी मराठा शायद 1 करोड़ भी नहीं होंगे, मालूम नहीं मुझे, हम बताएंगे देखेंगे, मगर सर ये इनकी लड़ाई शहनोपुरी मराठा की है, आम मराठा की नहीं है, आम मराठा की लड़ाई शिंदे साहब लड़ रहे हैं, जरंग भी नहीं लड़ रहे। हाँ जी, धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा था नारायण राणे साहब के साथ में कि उनकी जो है संघर्ष जो कोंकण में जो खास कर लेके मराठा समाज को लेके जो है संघर्ष जो है किस 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 हिसाब में था, तो इस चर्चा पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स लिखिए, और ऐसे और इनकी भूमिका का परिणाम अगर वो चुनाव में खड़े हो जाते हैं जी, तो ओबीसी और आम मराठा जो शहनो कोई नहीं है वो दोनों इनको गिराएंगे ना, वो भी डर है, वो नहीं रह करेंगे, वो राज्यसभा में ही जाएंगे, हाँ वो वहाँ कोई और खड़ा होगा, उनके बेटे भी तो हैं एक बार जीते थे, गिर गए उनका नीलेश राणे, हाँ नहीं उनका नहीं चलेगा अभी, वो दो बार गिर गए, तो अभी ऐसे हमारे यहाँ एक आगास्कर करके थे थाना में, मुकुंदा आगास्कर थे, उनका स्लोगन भी दीवार पे उस समय लेते हैं, मुकुंदा मुकुंदा कीर्ति पड़शील की तिंदा, ऐसा हो गया। ठीक है सर, तो ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय श्री राम, जय।